नाराज हो गया थे मैडम। इसको तो फुटेज दो, इसको पहले फुटेज। हां इनको फुटेज दो यार। हां बोलो मैडम। अच्छा नहीं हुआ इसको। अरे अरे ऐसा मारती है यार, बहुत मार रही है। विशाल मार खाने लायक थे, देख रहे हो, जुर्म करती है लड़की मेरे ऊपर। साथ ओ तृप्ति मैडम। कैसे पार्टी है आज? आप पार्टी दे रहे हो? जूम करती हूं मैं पार्टी। खुशी में आपकी बैकलॉग नहीं आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप करना था मुझे, 9 सीजीपीए लाना था बट नहीं आया। तो अभी हम लोग सैमसंग केयर में आए हैं, सैमसंग के सर्विस सेंटर में हम लोग आ गए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। तो जिग्नेश भाई अभी नहाने के लिए गए हैं, जैसे वो नहा के निकलते हैं वैसे मैं नहाने के लिए जाऊंगा और फिर हम लोग निकलेंगे अपने कॉलेज के लिए, यानी कि पारो यूनिवर्सिटी के लिए। आप सभी लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं आपको हमेशा मजा दिलवाता हूँ। विशाल द वे इज ऑलवेज हियर फॉर यू एवरीबॉडी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ और जिग्नेश भाई ने काफी कमाल की चाय बनाई थी हमारे लिए। तो ज्यादा लेट नहीं करते, अभी अपन निकलते हैं और जल्द से जल्द पहुंचते हैं कॉलेज। देखो अभी हम लोग कॉलेज से निकल गए। जिग्नेश भाई के पास दो बैग है, मेरे पास भी एक बैग है। ओके भाई साहब, नेशनल हाईवे है ये जो है ना, नेशनल हाईवे। यहाँ से कुछ हम लोग ऑटो ऑटो लेंगे और उसमें बैठ के फिर कॉलेज पहुंचेंगे। रोड क्रॉस करना। चलो रोड क्रॉस करते। ये है वाघुड़िया चौकड़ी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी पहुंच गए हैं, तो यहाँ से ऑटो ऑटो पकड़ते हैं और पारुल निकलते हैं। उमा इस तरफ पड़ता है, यहाँ से ऐसा सीधा। और अभी हम लोग यहाँ से आ रहे हैं इस रास्ते से, अभी ऐसा जाने का, ऐसा समझ रहे हो। उसके बाद आपसे मिलते हैं, अभी क्लासेस चल रही है। तो देखिए अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे थे, वो सबके सब बाहर जा रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक हमें मिला है, देख रहे हो। यहाँ पर है एप्पल का पीसी एंड ये मेरा एप्पल का फ़ोन, जो कि मुझे बार बार चार्ज करना पड़ता है। भाई कुछ भी करो, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो ना तो आपको बहुत चार्ज करना पड़ता है। और अभी मैं चार्ज पर डाल रहा हूँ, देखो कॉलेज में फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, कैन यू इमेजिन दिस, क्या बात है। और ये है मेरी नोटबुक। राइटिंग पे मत जाना भाई, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है ना भाई, यहाँ पर मैडम जल्दी जल्दी बोलती है तो अपन को जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, क्या ही करेगा आदमी। एप्पल का पीसी या ना एप्पल का फ़ोन जो कि चार्ज हो रहा है और उसके साथ है हमारी नोटबुक, देख रहे हो भाई साहब, इतना लिखाया गया है हमें, क्या बात है भाई। अभी सबके सब कॉफ़ी चाय वगैरह पीने के लिए गए हैं, 5 मिनट का बस ब्रेक मिला है, उसके बाद फिर से क्लासेस चालू हो जाएंगी। अपन भी थोड़ा सा जाते हैं, कॉफ़ी वॉफी कुछ पीते हैं, काम करो, इन्जॉय करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट और दिस इज़ माई कॉलेज लाइफ। 5 मिनट का ब्रेक लेके भाई साहब अपन बाहर आए हैं। बाहर अभी थोड़ा सा करना पड़ता ना भाई, ह्यूमन नीड है यार, क्या ही करेगा, जल्दी से चलते हैं। उसके बाद फिर लेक्चर में भी जाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि सर आ गए ना भैया मिथिलेश सर, तो बैंड बज जाएगी, तो जल्दी जल्दी अपन चलते हैं और उसके बाद फिर से क्लास में जाना है, ठीक है। A few moments later. हमारे लेक्चर्स खत्म हो गए, लंच हो गया है। लंच करने के लिए अभी हम सबके सब जा रहे हैं। कैसे हो यारो? बढ़िया भाई, तू बता। अरे एकदम मस्त। तृप्ति मैडम नहीं देख रही, नाराज हो गया तृप्ति मैडम। इसको तो फुटेज दो, इसको पहले फुटेज। हां इनको फुटेज दो यार। हां बोलो मैडम। अच्छा नहीं हुआ। अरे ऐसा मारती है यार ये लड़की, बड़ी डेंजरस है, बहुत मार रही है। विशाल मार खाने लायक है, जुर्म करती है लड़की मेरे ऊपर, साफ साफ सोशल मीडिया पे मैं बता दिया। नहीं करती, ठीक है, हाँ नहीं करती, ऐसा नहीं। चलो है जो भी है, बोल ना, वो ऑडियंस करेगी। हाँ वो ऑडियंस करेगी, ओके ऑडियंस कर दो यार। लंच करते हैं और क्या करता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ ना, काय को टेंशन ले रहे हो। ओके विशाल द वे इज ऑलवेज योर फेवरेट बार्ड। तो अभी यहाँ से हमने फुल प्लेट पंजाबी ऑर्डर की है, अभी थोड़ी देर में हमारी फुल प्लेट पंजाबी आ जाएगी, उसको लेके फिर अपन खाएंगे। तो यहाँ पर निखिल भाई भी वेट कर रहे हैं ना। निखिल भाई पंजाबी मैन, मजा आएगा भाई। मैं वही खाता हूँ रोज यार, उसे पेट भर जाता है और अच्छा भी लगता है। क्यों अंकल? चलो तो हमारा खाना आ गया, अपन चलते हैं और अच्छे से खाते हैं, ठीक है। खाना है ना दोस्तों के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। हाँ भाई, इस पे फोकस करना पड़ेगा और ना पता चला आपसे बात करने के चक्कर में ये गिर गया, ठीक है। तो इस पे फोकस, भाई फोकस कर, इस पे फोकस कर, इस पे, हाँ इस पे फोकस करना। सर हाय, सर हाय, हाय हाय वेंकटेश सर। चलो हमारा खाना आ गया। ओ भाई व्हाट्सअप। हाँ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, साउथ का दोस्त है हमारा, समझ रहे हो। लंच निकालो अपना, बंद करोगे?
हाँ हाँ निकालो निकालो, अपन भी खाते हैं। जा रहे हैं सिटी की ओर, वडोदरा की ओर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग को तो पता है कि सैमसंग का फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्राइम बटन पे आ जाएगा, वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने साफ साफ बताया कि कैसे मेरा सैमसंग का फ़ोन ख़राब हो गया, मतलब चलना ही बंद हो गया। इसलिए उसको सबसे पहले मेरे को ठीक कराना पड़ेगा, और ठीक कराने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा सैमसंग केयर में। यहाँ से मैं ऑफकोर्स 5-6 बजे छूटता हूँ, तब तक वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सैमसंग केयर की तरफ, ठीक है, वहाँ से मोबाइल ठीक करवाते हैं, अपना फ़ोन ठीक करवाते हैं, होप के हो जाए। स्कूटी कौन सी है उसकी? स्कूटी शायद वही वाली है। वही वाली चाबी है मेरे पास, कहाँ? रुक जा मैं देता। हवा अच्छी चल रही है ना इधर, किधर रखा मैं चाबी? हाँ ये रहा, ये रहा, मिल गया, ये देखो चाबी, ये चाबी। गाड़ी निकाल रहे हैं अभी, यहाँ से हम लोग जाएंगे सिटी की ओर, ठीक है, चलो। हाँ दिखा दे यार लैपटॉप बैग मेरे को। केयर में आए, ठीक है, देखो वडोदरा सिटी के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। फोन ठीक कराना भी जरूरी ना भाई, तो चलते हैं, अभी आए हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ का काम निपटाना है ताकि यूनिवर्सिटी फिर से जा सके। गाड़ी के लिए शुक्रिया राहुल भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सैमसंग के सर्विस सेंटर में हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ से अंदर जाएंगे और पूछते हैं उनसे क्या होता है हमारे फ़ोन का हाल। जिग्नेश चले अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये क्या बोलते हैं भाई हमारे फ़ोन के लिए। हाय, तो सैमसंग केयर में जो काम था वो काम हमने कर दिया, तो जितना भी सर्विस सेंटर का हमारा काम था वो ख़त्म हो गया है। अभी अपन फिर से जा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी की ओर। उन्होंने बोला कि जैसे वारंटी पे है फ़ोन तो चार्ज कोई देना नहीं पड़ेगा, तो हमने फ़ोन को दे दिया है। अब कुछ शाम को 5 बजे तक कॉल करके उनसे वापस पूछना है कि क्या हुआ हमारे फ़ोन का, तो कॉल करके पूछ लेंगे क्या ही दिक्कत है, कॉल करके पूछेंगे। और उन्होंने बोला है मदरबोर्ड थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, तो आपको 2-3 दिन का समय लगेगा। तो मैं क्या भाई, ठीक है 2-3 दिन का समय ले लो, लेकिन फ़ोन अच्छे से बना के दो। अभी यहाँ पर निकलते हैं कॉलेज के लिए और जल्द से जल्द कॉलेज पहुँचते हैं, ठीक है, चलो। देखिए हम पहुंच चुके हैं फिर से पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर। जिग्नेश भाई गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी भाई साहब पूछ रहे थे कि यार कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके, तो भैया यहीं के स्टूडेंट है यार, बैक टू द कॉलेज चले, चलो। ओ तृप्ति मैडम, ओ तृप्ति मैडम कुछ बोलो यार। कैसे कैसे? अब ये मार पड़ने वाली है निखिल को, मेरी नहीं रिंग, पर यू डोंट डिजर्व दिस। आप कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार प्रणाम। पार्टी है? आप पार्टी दे रहे हो? खुशी में पास हो गए हो? हम बैकलॉग वाले, बहुत अच्छे से पास हुए, आपकी बैकलॉग नहीं आई है। मुझे टॉप करना था, मुझे 9 CGPA लाना था, बट नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। देखिए सपना देखना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये पॉइंट है, पूरा करो सपने, देखो तो पूरा भी करो। समझ गया, समझ गया, समझ गया, इतना काफी है, समझ गया, समझ गया। अगर अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। कल फिर से 10:30 बजे एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कल सुबह 10:30 बजे फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ओके चलो।